कक्षा 11वीं इतिहास। यायावर साम्राज्य मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। यायावर साम्राज्य की जो अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है, यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलवत घुमक्कड़ होते थे। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविधेतित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते थे। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अविस्तृतियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिकृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भौगोलिक प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषा बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती है, क्योंकि वे किसी बंधे बधाए सांचे में उन्हें ढालते हैं। ये परिभाषाएं तथा त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती हैं। जब हम यायावर समूहों द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं, अध्याय 4 में हमने इस्लामी इलाकों में राज निर्माण का अध्ययन किया, जो प्राय अरब द्वीप की वृद्धद यायावर परंपराओं पर आधारित था। इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यायावरों का अध्ययन किया गया है। ये है मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में परम महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की थी। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक समान सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव ना पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। इस अध्याय में हम ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्थापित परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे। यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। स्टेपी निवासियों ने आम तौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए हमारे इन
यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिहास वृत्तों यात्रा वृत्तांतों और नगरी साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इन लेखकों की यायावर के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्व ग्रहों से ग्रस्त हैं। मंगोलों की सामाजिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों को यात्रा वृतांत लिखे। अन्य मंगोलों अधिपतियों के राजश्रय में रहे। इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। वे बौद्ध कम्युनिस्टवादी ईसाई तुर्क और मुसलमान थे। यद्यपि इन लोगों को मंगोल रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था, इनमें से अनेक ने इनके विषय में सहानुभूति पूर्वक विवरण और यहाँ तक कि उनकी प्रशस्तियाँ भी लिखी। ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के शहरों से उपजे इन निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी, जिसमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया जाता था। इस सबसे मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गई। अतः मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है जिससे कि सामान्यतः आभ्रमणशील समाजों द्वारा जिस ढंग से यायावर समुदाय को आदिम बब्बर के रूप में पेश किया गया है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संभवत मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोधकार 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया था जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए, जो प्राय हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इन यात्रियों सैनिकों व्यापारियों पुराविदों ने तैयार किया था। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन में यह तक प्रस्तुत किया गया कि प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। इसने चंगेज खान और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रामक व्यवस्था के दायरे में रखा जिसमें जनजाति उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तित हो रहा था। ये परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्गविहीन सामाजिक व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ जिसमें कृषक भूस्वामी और लाट के बीच में एक विशाल अंतर पाया गया। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषाएं उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोवालिच क्लाइमिडी वाच जैसे अन्य विद्वानों ने दूसरे अन्य विशाल वैसली ब्लोदिमिच वाटर वार टोल्ड ने सोवियत विचारधाराओं का समर्थन नहीं किया। एक ऐसे समय जब स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई, तब बारटोल के द्वारा चंगेज खान और उसके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उनकी उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूति परक वितरण ने उन्हें अभिवेचक के रोष का पात्र बना दिया। उन्होंने बारटोल्ड की रचनाओं के प्रसार पर कठोरता पूर्वक
पाबंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक में उदारवादी सुखदेव युग के दौरान और उसके उपरांत की उनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया। बच्चों, जो यायावर साम्राज्य है, मंगोल साम्राज्य है, उनके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाया। इसके बाद मैं आगे का भाग पढ़ाऊँगा और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, और कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं।